हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल द मीनू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अभी फ्रेंड आप लोग कैसे हो, आए हो? बहुत अच्छे होंगे। ऑफकोर्स मैं भी ठीक हूँ। तो मेरे पीछे देखो क्या लगा है, बहुत सारे स्लीपर लगे हैं, लेडीज और एंड जेंट्स भी। तो हम आए हैं अभी शॉपिंग करने पति देव के लिए, कुछ लेने के लिए। देखते हैं उनको क्या पसंद आता है। मोस्टली उनको कुछ पसंद नहीं आता जल्दी, बट देखते हैं। फिर भी हम अपनी इधर चले आए हैं सैंडल देखने के लिए। इतनी अच्छी अच्छी सैंडलें दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड हमें यहाँ पे डालना पड़ रहा है वाई शेवर, नहीं तो यहाँ पे बज रहा था गाना, आ जाता कॉपीराइट। और देख रहे थे पति देव के लिए टी शर्ट, और इनको पता नहीं क्यों नेक वाली टी शर्टें पसंद नहीं आ रही थी और मुझे वही पसंद आ रही थी। ये कह रहे थे जैसे मैंने हाथ में ले रखा है मुझे ऐसे टी शर्ट चाहिए। मैंने कहा ठीक है देखते हैं, मिल जाएगा तो वैसे ले लेंगे। फिर फाइनली हमें यहाँ पर ढूंढने पर एक टी शर्ट हमें मिल गई इनकी पसंद की, वो हम गए लेके जा रहे हैं इनको ट्राई कराने के लिए। तो फ्रेंड हमने ये वाला पसंद कर लिया, ये वाला डन, ये वाला टी शर्ट अच्छा लगा। देखिए फ्रेंड अभी जो मैंने पिंक वाला चूज किया था, ये लेना चाहिए या फिर ये लेना चाहिए, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। बाकी आप लोग किस हिसाब से क्या अच्छा लग रहा है वो आप कमेंट करके बताइए। तब तक शायद कमेंट किए होते तब तक हम ले चुके होंगे। तो हम लेंगे फाइनली ये वाला, ये मुझे अच्छा लग रहा कलर। ये खिल भी नहीं रहा, एकदम पुराना पुराना सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। इसी को डन करते हैं। ओके ये वाला बताइए फ्रेंड कैसा लग रहा है, क्योंकि इसमें वैसे भी हम देखें ग्रीन कलर का है। अब कह रहे ये नहीं अच्छा, सही तो लग रहा है, थोड़ा हवा जाता रहेगा ठंडी में यहाँ से। अच्छा लग रहा है वैसे, इधर देखो सही लग रहा है। तो फ्रेंड हमने शॉपिंग कर ली, अब सोचा कि घर के लिए कुछ सामान ले लेते हैं, जो हमारी जिम्मेदारी है घर में, किचन में क्या है क्या नहीं। तो हम पहुँचे नमकीन के पास, डिसाइड कर रहे हैं कौन सी नमकीन लेनी है कौन सी नहीं लेनी। हम कह रहे हैं ये बहुत तीखी है, इसको नहीं लेंगे, दूसरी लेंगे। तो हमने दूसरी, तो फ्रेंड देख सकते हो हमारे पैर में चोट लगी है, बट हमें शॉपिंग के नाम पे कुछ भी करवा लो, जी चोट लगी दर्द हो प्लीज फ़र्क नहीं पड़ता। मैं शॉपिंग के नाम पे हस्बैंड जी कहे हो मैं जल्दी शॉपिंग करने, शॉपिंग होती है ऐसी चीज। छोटी छोटी टोकरियाँ किचन में रखने वाली, इतनी अच्छी अच्छी हैं किचन में रखने वाली छोटी छोटी टोकरी, कुछ सामान वगैरह रख दो। तो पति देव की शॉपिंग के बाद मैं आ गई नीचे, कुछ देखने लगी साड़ी अपने लिए, बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ लगी थी। और मैंने यहाँ पे एक साड़ी मुझे पसंद भी आई और थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन भी हो गई, वो आप देखिए आगे पति देव मेरे क्या कह रहे हैं। तो दोस्तों अब ये कॉमेडी वाली चीज़ हुई जो मैं आप लोग को बताता हूँ। अभी इन्होंने कहा कि एक साड़ी पसंद आई है जो कि 430 रुपये की है, तो मैंने कहा चलो ले लो। और उसके बाद फिर जब मैंने रेट देखा उस साड़ी का, तो आप लोग को दिखाता हूँ जिसको 430 बोल रही थी वो साड़ी थी कितने की। इस साड़ी को ये 430 की बता रही थी जो कि है 4300 की। ग्रेट टैलेंट, इनका ग्रेट टैलेंट है ये, जो 4300 को 430 पढ़ लेती हैं। हमको ऐसा ही लगा तो मैंने कहा था यही है। सो फ्रेंड आ गए हैं फाइनली घर, आ गए हैं रूम पे और अभी 9:44 हो रहे हैं। इसमें आपको उल्टा दिख रहा है, 9:44 हो रहे हैं। तो खाना वाना नहीं खाए हम लोग, तो चलते हैं खाना खाते हैं, आप लोगों से मिलेंगे सुबह। सो फ्रेंड गुड मॉर्निंग, अभी हो गया नेक्स्ट डे और रोज़ की तरह हम आ गए हैं अपने पार्क में घूमने के लिए। तो मेरा आज नहीं कहेंगे आज हमने चल लिया, ये कहेंगे यहाँ पे ताला नहीं, ताला खुला। आज जा रहे हैं कुछ नया करने, तो बैठ के वेट करें तब तक गिर ना जाए नीचे, नीचे ना गिर जाए, पकड़ो फोन। आज ये नया फंडा चल रहा, अरे फोकस हो जा भैया, इससे क्या फायदा होगा? कुछ भी होगा, जब लगा है तो कुछ ना कुछ तो होगा। नया नया पूरा फात है ये। अभी फ्रेंड हम लोग घूमने गए थे, वहीं से आ गए यहाँ पे सरजू घाट पे नहाने के लिए, नए घाट, क्योंकि आज लगा था रात में ग्रहण। तो अभी हम आए नहाने, बहुत भीड़ है यहाँ पे भयंकर। और
स्नान कर रहे हैं। जब अयोध्या में रह के स्नान ना करें तब तो कुछ भी नहीं। उनकी डुब्बी स्टार्ट हो गई। ये अभी हम लोग वॉक करके आ रहे हैं, उधर से घूम घूम के आ रहे हैं। बहुत भीड़ है आज घाट पे। बोट वगैरह भी खड़ी है। गौदान करना तो गौदान भी खड़े हैं। कौल गैया लेके मान लो अच्छे से बुड्ढी दान में आगे बढ़ो जिसका स्नान हो गया है। इसके बाद मैं जाऊंगी फ्रेंड, ये आ जाएंगे नहा के। तब हो गया, हो गया। फ्रेंड नहा धो के हो गए हैं रेडी और आ गए हैं किचन में हमेशा की तरह। जल्दी 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 खाना बनाओ, नाश्ता बनाओ। और उससे पहले हम खाएंगे अपना पीले वाली छेना जो कल मैं लेके आई थी वी-मार्ट से, तो बहुत टेस्टी था। कल रात में एक एक पीस हम लोगों ने खाया था, बाकी रखा हुआ है, अभी खाते हैं। और यहाँ पर मेरी दाल तो बन के रेडी हो गई है। दाल की सीटी निकल जाए फिर चावल बन रहेंगे, क्योंकि चावल अभी तो मैं साफ करने के लिए ली हूँ। ये सबसे पहले रसगुल्ला खा लेते हैं और आप लोग भी खा लीजिए पीले पीले रसगुल्ले सुबह सुबह मीठा मीठा चीज़, मुँह मीठा मीठा हो जाएगा, आपका दिन भी पूरा दिन मीठा मीठा जाएगा। फ्रेंड देखिए महाराज जी रेडी हो गए हैं। चलिए ओके, बाय बाय। पति तो फ्रेंड गए, वो टिफिन लिए हाथ में, तो कह रहे मेरा पीछे से सूट मत करिए, टिफिन लेके जा रहा। मैंने कहा इससे क्या, टिफिन लेके कोई नहीं जाता, ऑफिस में काम करता है, कहीं भी काम करता है, बट टिफिन लेके वो जाता है ना, अगर उसको खाना खाना है, भूख लगेगी, टाइम नहीं है, अगर वो घर आ के खाना खाए तो टिफिन लेने में क्या करे। नहीं मेरे पास सूट करो, और लौट के आए मेरे को क्लिप कटवा के फिर गए हैं। अभी जा रहे हैं तो हस्पति देव निकल गए हैं। अब इसी के साथ अब अपना ब्लॉग एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे न्यू ब्लॉग में। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, एक प्यारा सी कमेंट करने का, बताना कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।